हेलो भाई, भवंगी 385 सेगमेंट में आज के डेट में कितना कंपटीशन हो गया है आप सभी अच्छे से जानते हैं। आइए जानते हैं दीपावली में कौन सी है वो 6 गाड़ियाँ जो 385 सेगमेंट में आती है और सबसे ज्यादा बिकी है भाई पूरे भारत भर में। रॉयल इनफील्ड हंटर का पिछले महीने जैसा ही हाल है या फिर बढ़िया है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है भाई इसमें भी। तो 6 नंबर पे आइए, हमेशा की तरह होंडा की CB350 सीरीज। इस सीरीज में अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं, हाइनेस 350 और CB350 RS। दोनों गाड़ियों कंबाइन अक्टूबर के महीने में 4491 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। सितंबर की बात करते हो तो 3980 यूनिट बिकी थी, लगभग 511 गाड़ियां ज्यादा बिकी है भाई CB350 सीरीज की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे होंडा ने दिल खुश कर दिया भाई। इनके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों में सेम ही इंजन आता है भाई, जो अपने को पावर प्रोड्यूस करके देता है भाई 20.78 BHP का, और टॉर्क अपने को 30 Nm का मिल जाता है। प्राइजेज की बात करते हो तो 2,34,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है भाई आपकी CB350 RS। ये सबसे एक्सपेंसिव हो जाती है भाई, हाईने CB350 वो थोड़ा सा सस्ती ही है, इससे 10-20,000 रुपये का फर्क पड़ता है भाई बस। यहाँ पे मैंने बोला होंडा ने मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन ये तो नहीं बोला ना भाई ये दोनों गाड़ियाँ पसंद है मेरे को। देखो दोनों में क्लासिक वाला फील नहीं आता भाई, आज भी मैं बोलता हूँ होंडा को मेरे हिसाब से अपडेट करना चाहिए इस गाड़ी को और ऐसा बनाना चाहिए क्लासिक को टक्कर दे भाई, तब मजा आएगा ना मार्केट में, समझ रहे हो ना। खैर अब होंडा वाले सुनेंगे तब तो मेरी बात। 5th नंबर पे आई है रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रा 350। अक्टूबर के महीने में इसकी 4575 यूनिट बिके पूरे भारत भर में। सितंबर की बात करते हो तो 4174 यूनिट बिके थी। पिछले महीने के मुकाबले दिवाली के महीने में लगभग 401 गाड़ियां इलेक्ट्रा 350 के ज्यादा बिकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें भाई अपने को सेल वगैरह देखने को नहीं मिलता और बुलेट वाला सेम ही इंजन आ जाता है, जो अपने को मैक्सिमम 19.1 BHP का पावर और टॉर्क अपने को 28 Nm का निकाल के देता है। ये गाड़ी आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाती है भाई, 1,60,000 रुपये तक मिल जाती है, आप आराम से लेके आ सकते हो अपने घर और बुलेट का फील ले सकते हो। खैर 4th नंबर पे आई है बुलेट 350। अक्टूबर के महीने में इसकी 8755 यूनिट बिके है पूरे भारत भर में। सितंबर की बात करते हो मैं बताऊंगा आप यकीन नहीं करोगे, 8755 यूनिट ही बिकी थी भाई सितंबर में भी, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, सितंबर में ही उतनी बिकी जितनी अक्टूबर में बिकी है। इंजन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया ही भाई, इलेक्ट्रा 350 वाला सेम ही है। ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है भाई, क्योंकि इसमें आपको किक वगैरह भी मिल जाता है, इसके अलावा सेल वगैरह भी मिल जाता है, मतलब आप नॉर्मली चूज कर सकते हो आपको किक वाला चाहिए या फिर सेल वाला चाहिए। ये गाड़ी आपको 1,82,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। देखो भाई बुलेट को कौन लोग चूज करते हैं मैं आप सभी को सीधा सीधा भाषा में समझाता हूँ, जिनको भाई पहले जैसा रफ एंड टफ चाहिए। पहले आप सभी अच्छे से जानते हैं क्लासिक को कोई नहीं जानता था, क्लासिक थी भी नहीं भाई, बुलेट ही लोग जानते थे, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए रॉयल इनफील्ड बेच रही है बुलेट को, समझ रहे हो ना भाई। क्लासिक तो मॉडर्न हो गया ना, मतलब हम जैसे लड़कों के लिए, जैसे हमारे पापा को यूज करना हो तो वहाँ पे बुलेट ही उनको अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। 3rd नंबर पे आइए मीटियोर 350। ये पहले थंडर बर्ड के नाम से आया करती थी। ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है भाई, बहुत ही, मतलब वर्ड नहीं है। अक्टूबर के महीने में इसकी 10,353 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। सितंबर की बात करते हो 10,840 यूनिट बिकी थी, लगभग 487 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई मीटियोर 350 के पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। यहाँ पे यार रॉयल इनफील्ड मजा नहीं आया, ये गाड़ी आपकी क्लासिक से भी महंगी हो चुकी है भाई, 2,29,000 रुपये से शुरू हो जाती है। बाकी टॉप एंड वेरियंट लेते हो तो वो 2,50,000 से भी ज़्यादा चली जाती है भाई। इसमें अपने को वही जे सीरीज वाला इंजन मिल जाता है, बुलेट क्लासिक हंटर में सब में सेम ही आता है, पावर फिगर अपने को 20.2 BHP का और टॉर्क अपने को 27 Nm मिल जाता है। इस गाड़ी का टोटली कर्वेट चला जाता है भाई 191 kg। इसको आप लॉन्ग टूर पे भाई अच्छे से यूज कर सकते हो, मतलब 300-400 किलोमीटर एक बार में ट्रेवल करते हो ना तो मज़ा आएगा, थकोगे नहीं भाई। बाकी बात करें अगली गाड़ी की तो भाई 2nd नंबर पे आई है हंटर 350। देखो बहुत लोगों को ये गाड़ी पसंद भी आया और बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आया भाई। मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना रिव्यू वाला तो मेरे को समझ आता है, मतलब कोई बोलता है टट्टी गाड़ी बना दिया, कोई बोलता है भाई कितना अच्छा गाड़ी बना दिया, बहुत प्रकार के लोग हैं भाई इंडियन मार्केट में, समझ रहे हो ना, सबका टेस्ट बिल्कुल ही अलग अलग है, जैसे मेरा टेस्ट है भाई। अक्टूबर में हंटर की 15,445 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। सितंबर की बात करती हूँ तो 17,118 यूनिट बिकी थी, लगभग 1673 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई हंटर 350 की। अब समझ आ रहा है भाई इसका वही धीरे धीरे गिरता ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं भाई। दीपावली में जब ये हाल रहा तो आने वाले महीनों में क्या हाल होगा
मेरे समझ से तो बाहर है। इस गाड़ी का कर्वेट चला जाता है 177 केजी। प्राइस की बात करते हो तो 172,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। बाकी टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। पावर अपने को सेम ही मिलता है, जे सीरीज वाला इंजन मिल जाता है 20.2 BHP और टॉर्क अपने को 27 Nm का मिल जाता है। अब भाई हंटर के बारे में मैं ज्ञान देना नहीं चाहता क्योंकि लोग बाग भाई अच्छा खासा पसंद कर रहे हैं, तभी तो 15,445 यूनिट बिकी है। माना वो पिछले महीने के मुकाबले कम बिकी है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं क्या हाल होता है, क्या 10,000 कबीट्स का डिजिट होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट पोजीशन पे आइए हमेशा की तरह भाई आपकी और हमारी जो है थी क्लासिक 350। अक्टूबर के महीने में इसकी 31,791 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। सितंबर की बात करते 27,571 यूनिट बिकी थी। लगभग 4,220 गाड़ियाँ क्लासिक 350 की भाई कम नहीं ज़्यादा बिकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सबको भाई पीछे छोड़ के क्लासिक 350 आगे निकल गई, मजा आ गया। ये गाड़ी आपको 217,000 रुपये से शुरू हो जाती है मिलना और 251,000 रुपये तक आप इसका टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हो जिसमें दुनिया भर का क्रोम लगा रहता है। इसके कॉर्बेट की बात करते हो तो 195 kg का अपने को कॉर्बेट मिलता है, मतलब 4 kg आपकी ज़्यादा भारी हो जाती है मीटियोर 350 से। पावर फिगर मैंने आपको कितनी बार बता दिया, वही इंजन मिलता है जे सीरीज वाला। पता है मीटियोर, हंटर और क्लासिक में बिल्कुल ही सेम ही इंजन है। माइलेज देखो, हंटर में आपको ज़्यादा मिल सकता है लेकिन मीटियोर में क्लासिक में सेम ही आएगा भाई मेरे हिसाब से। हंटर में क्यों ज़्यादा मिल सकता है, देखो उसमें टायर पतला है ना और प्लस में टायर छोटा भी है तो इंजन पावर कम कंज्यूम करेगी तो माइलेज अपने को ज़्यादा मिलेगा, ये सीन हो जाता है भाई। टायर भी बहुत ही मायने रखता है माइलेज के प्रति। तो यहाँ पे हम सभी ने 385 सेगमेंट की 6 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में जान लिया। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।